आरा सिंह बड़े मौके पर आया है तू हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद सबसे पहले <laughs> वो तो स्टार्टिंग उसी से होना चाहिए आपके किरदार को बहुत बहुत प्यार मिला है कैसा लग रहा है कमाल की बात है ना एक विलन को बहुत बहुत प्यार मिला <laughs> है <laughs> हीरो को तो मिलता ही है विलन को भी मिला ब्लेसिंग्स है। <laughs> हैं गॉड की मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं मेरे मेरी फैमिली का प्यार है वी लव टू नो दैट व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आप फिल्म देखने गई थी आई वाज वेरी हैप्पी ही डाइड सुन लिया आपने मेरा भी पहला कॉम्प्लीमेंट यही था जो मैंने आपसे बताया ना कि जो ये कॉम्प्लीमेंट सवा आठ बजे पहला गई थी और मैंने फोन किया इनको तो ये कहती है एक ये और मेरी बेटी भी हाँ। कि आपके मरने की बड़ी खुशी हुई कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का कुछ वो भी <laughs> कोई है घर पे बिल वहाँ वो घर पे पिटो। <laughs> सब मेरे दिल की बात है <laughs> Father, वो घर पे हैं बट जब ऑन स्क्रीन है तो वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर उसमें उनको गालियाँ पढ़नी चाहिए तो पढ़नी चाहिए और अगर नहीं पढ़ रही तो तो फिर तो फायदा, ऐसा husband no husband र... husband <laughs> फायदा क्या ऐसे husband मतलब रखने, आप रखने का हाय दिस मनीष एंड यू

ब्लेसिंग्स हैं गॉड की मेरे पेरेंट्स की ब्लैसिंग्स हैं मेरे मेरी फैमिली का प्यार है और सबसे ज़्यादा मेरे जो मेरे जो मुझे चाहते हैं ऑडियंस मेरे दर्शक जो हैं अब तक मैंने जो भी किया है मुझे हमेशा हाथों हाथ ले लेते ले हैं <laughs> बहुत प्यार करते हैं थैंक यू सो मच फॉर बट बट मैं ये कहूँगी कि फिल्म को रिलीज़ हुए इतने दिन इतने हफ्ते हो गए हैं यू आर ऑन द टॉप ऑफ द मोस्ट हेटेड विलन राइट नाउ और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गदर जो पहली आई थी उसमें एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट uh, uh, किरदार अमरीश पुरी जी का था जिसे आपने निभाया है आई रोल डेफिनेटली बट विलन यू दैट गैप क्या ये चैलेंजिंग था आपके लिए वर एप्रीशन मैंने सुना है कि आप पहले बहुत लोगों ने आपको कहा था कि नहीं करना है ये दोनों सवालों का मैं अच्छे से ठीक से जवाब दूंगा कि हाँ थोड़ा सा आ, मन में था कि चैलेंज तो ज़रूर है एक तो चैलेंज वो इसलिए था क्योंकि पठान में भी जनरल इसमें भी जनरल तो एक वो चैलेंज था दूसरा जो चैलेंज था ये अमरीज जी का जो पहले ही दिन मुझे अनिल शर्मा जी ने आ, ला मार्टिनी कॉलेज जहाँ हैंडपम्प वाला सीन हुआ था लखनऊ में वहाँ पहले ही दिन खड़ा कर दिया कि यहीं पर यहाँ अमरीज जी खड़े हुए थे यहाँ पर हैंडपम्प था तो आप समझ सकते हैं कि पहले ही दिन आपके ऊपर वो प्रेशर है कि ओ इतना आइकॉनिक सीन दिमाग में था पहले पता था कि यहाँ ये सीन हुआ है बट आप उसी से स्टार्ट कर रहे हैं एंड वो भी एकदम मेजर सीन ऑफ द फिल्म hmm. शाही किला जो आपको पता भी है जहाँ वो बच्चे जी, को बांध रखा है एंड सनी जी आते हैं वो सीन की बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अमरीश जी वहीं थे और वो हमेशा हमेशा हमारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर था कि ले बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी सो <laughs> so, वो इतना अच्छा हो गया जो आपको जब आप एग्जाम देते हैं ना तो आपको पता होता है कि आपने कितने मार्क्स आज अटम्प्ट किए हैं तो मुझे लगा कि मैंने कुछ ठीक ठाक तो किया है तो आपके I'm सामने glad, I'm glad. और दूसरा जो आपने वो बोला कि, uh, कि कैसे आपको <laughs> <laughs> ये ये वही ईश्वर की कृपा है जो जिस तरह सारी चीज़ें हो रही एज एन एक्टर क्या आपने कभी गॉन बैक एंड थाट वाई वेन जब आपने अपनी अपने आप को देखा बड़े पर्दे पर आपको क्या लगता है वॉट मस्ट बी द रीजन दैट यू आर आस्ट टू डू दिस रोल विच आई थिंक दैट यू आर जस्ट फिट फॉर इट एक्चुअली मैं सच बताऊँ uh, मेरे साथ हमेशा आज तक जी हमेशा काम से काम आया है काम से काम से काम से काम चाहे वो फिर क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा होती है कि आ, अगर मैं वो नुक्कड़ नाटक भी कर रहा हूँ ना एक नाटक भी कर रहा हूँ तो यू नेवर नो कौन उसे देख रहा है और कौन कौन कहा मुझे पसंद कर लेगा जैसे शोले बने बनाते वक्त या मुग़ल आज़म बनाते वक्त या गदर वन बनाते वक्त या गदर टू बनाते वक्त हमने सोचा नहीं था कि ये इस तरह से बंपर हिट हो जाएगा ऐसा हो जाएगा आ, लोगों को पता होता है कि हाँ अच्छा काम हुआ है अच्छा हो जाएगा बट इस तरह से होगा तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है क्योंकि मैं शुरू से थिएटर करता रहा कॉलेज से कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेता रहा तो मन में एक और सीधा गोल था कि भैया अवार्ड लेना है बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेना है वो जो कॉलेज है वो जीतना चाहिए किसी भी तरह से तो वो एक होता ना कि कुछ करना है कुछ करना है तो वो एक आज भी है और प्लस वो डर जो आपने कहा वो आपके मन में जो डर तो वो एक कहीं ना कहीं डर हमेशा मुझे लगता है वो हर आर्टिस्ट के साथ होगा कि मेरा ये शॉट है और वो शॉट पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेगा तो वो वही सारी चीज़ें कि ये विल ये रोल में मैं कैसे फिट हुआ मुझे नहीं पता कहाँ उनको छः महीने से कोई विलन नहीं मिल रहा था जैसे आपने सुना होगा उसके बाद रवि वर्मा जी मास्टर रवि वर्मा जी जो हमारे फाइट मास्टर हैं साउथ वाली फिल्म के जो इनमें इसमें भी थे वो उन्हें मिलते हैं वो भी कहाँ पालमपुर जाते हैं उनसे मिलने के लिए और वो उनसे पूछते हैं कि भैया छः महीने हो गए हैं हमने सब कुछ ढूंढ लिया इंडस्ट्री से भी बाहर से भी हमें कोई विलन नहीं दिख रहा क्योंकि ये रोल जो है बहुत आ, उस तरह से चाहिए हालांकि बहुत सारे एक्टर्स हैं कर सकते हैं ये मेरे मेरे नसीब में था तो मास्टर जी ने वो क्लिप दिखा दिया मेरी फिल्म का श्याम सिंगर रॉय का फिर तो उन्होंने कहा कि यही तो चाहिए मुझे अगले दिन मैं जाता हूँ और वो

मैं डर गया था उसके लिए मैं डर गया था। क्योंकि सही पल्लवी वहां उनको गॉडेस मानते हैं वंडरफुल yeah. आप वैसा आपने देखिए मैं yeah, क्या yeah, बताऊँ yeah. मैंने इसमें मुझे बोला गया कि आप ऐसा कुछ करेंगे मैं बोला क्या बात कर रहे हो यार दिस इज is... मैंने कहा कोई नहीं रोल है hmm. और देखो वो रोल है उसको उससे निभाते हुए मुझे गदर मिली तो मुझे थोड़ी पता था कि कहाँ से क्या होगा तो आपका प्रोसेस का क्या था बिहाइंड द कैरेक्टर ऑफ जनरल हामिद क्योंकि आई एम श्योर कि ये इतना डार्क कैरेक्टर है ये इतना अनपॉलिजिटिक है सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है वो तबाही चाहता है <laughs> आप मतलब आपके एक्सप्रेशंस भी इतने टू द पॉइंट रहे बट क्या मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर करते थे बिफोर अ शॉट क्या करते थे आप एग्जैक्टली एक्जैक्टली एक्चुअली ना मैं uh, मेरी एक आदत है जब मैं uh, एक सुन लेता हूँ सब्जेक्ट तो जब मुझे शक्तिमान जी ने uh, पूरा नरेट कर दिया अनिल जी ने मुझे बता दिया हुँ. तो आप उसको ना उस कैरेक्टर को जीने लग जाते हो जी फिर उस वक्त उस शॉर्ट से पहले या उस सीन से पहले आपको कुछ सोचना नहीं है आपको पता है कि आप में वो कहाँ उसका ग्राफ जा रहा है क्या करने वाले हैं और प्लस फिर गाइडेंस के लिए वहाँ पर अनिल जी खुद हैं सनी पाजी खुद हैं जो आपको बिल्कुल एक तरीके से आपको चीज़ पर ले आते हैं तो और इतने साल हो गए हैं थिएटर भी किया है कुछ चीज़ें टी से मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला है अलग अलग रोल्स मिले हैं प्लस जो वॉइसिंग मैं करता हूँ उसमें मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा है अलग अलग करेक्टर्स जीने का तो वो एड ऑन करता चला गया कि कहाँ मुझे वो किस तरह की वॉइस से प्ले करना है क्या करना है कैसे कहाँ जाना है तो अब जीने लग जाते हैं एक तो वो था प्लस उसके बैठने उठने का हाव भाव स्टाइल उसका सिगार पीना वहाँ पर हमारे कर्नल साहब थे हमारे साथ ही तो उनसे मैं पूछता था कि जब ये अपने लोगों के साथ बैठा है तब कैसे होगा जब अपने जूनियर्स के साथ है तब कैसे होगा जब अपने सीनियर्स के साथ है तब उसकी वॉक में या बैठने में क्या जस्टिस होने चाहिए तो वो मैंने प्रिपरेशन जरूर की थी बाकी तो फिर अल्लाह मालिक दो <laughs> 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 तो तरीके की केमिस्ट्रीज होते हैं एक तो रोमांटिक और एक हीरो और विलन के बीच आपकी केमिस्ट्री रही तारा सिंह के साथ और बड़ी जबरदस्त रही सो हाउ वर द रोल्स हाउ वर द सीन्स विद सनी देओल कितना एंजॉय uh, किया आपने एक दूसरे के साथ ये बैंटर बहुत बहुत ही ज्यादा मैं अपने काम को वैसे भी बहुत एंजॉय करता हूं ये मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि मेरे डायरेक्टर मुझे uh, एक प्ले में कर रहा था मुझसे पूछते थे कि uh, तुझे कहाँ मजा आता है कहाँ एंजॉय करते हो तो मैंने कहा मुझे उस सीन में वहाँ पर वो शॉट बोलने में वो लाइंस बोलने में बहुत मजा आता है बोलते वहाँ तो सबसे अच्छा करता है क्योंकि जब आप इंजॉय करते हो तो काम अपना आप अच्छा कर रहे होते हो sure. जहाँ आप अपने काम से बोरियत हो जाती है आपको hmm. काम से वहाँ नुकसान होना शुरू हो जाता तो फिर तो सनी पाजी के साथ काम करना गदर करना हामिद इकबाल करना अनिल शर्मा जी के साथ काम करना मतलब तो वो कितनी ज़्यादा इंजॉयमेंट वाली बात थी आप कितने खुश अंदर से कितना मज़े लेकर तो फिर वो आ, फिर फिर गाइडेंस भी है चीज़ें भी हैं मनीषी, मनीष डियर रिमेंबर योर फर्स्ट शॉट पहला शॉट कौन हाँ, सा था वही सेम हैंड पंप वाली जगह पर ला, ला मार्टिनी कॉलेज में हाँ. जहां पर वो लाइन थी जब जब वो पूछता है लड़के से कि बता लड़के क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश हो उसका सिगरेट बुझाओ जब सिगार बुझाना एंड सनी पाजी तो वो लाइन खत्म हो गई थी वो क्यों था एंड वो लाइन थी कि तारा सिंह बड़े मौके पर आया है तो थी ना लाइक वो वो बस वहाँ से एंड वो जब जिस तरह से सीन गया एंड गॉड इज़ काइंड सब जैसे मैंने कहा ना कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ हो तो uh, अनिल जी ने एक्सीलेंट कहा और तालियां बजाने शुरू कर दी एंड आपको जब पहले ही शॉट में इतना अप्रिसिएशन मिल जाता है तो फिर तो <laughs> <laughs> उसी टाइम अवॉर्ड मिल जाता है पर <laughs> uh, काफ़ी ऐसे सीन्स uh, <coughs> जब हम फिल्म को देखते हैं तो वी रियलाइज दैट यू नो दे वर नॉट ईजी टू शूट ऑल्सो काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस uh, में शूट किए गए हैं आपके लिए कौन सा सबसे चैलेंजिंग शॉट रहा uh, ये ना एक्चुअली स्क्रीन पर आने के बाद मुझे समझ में आ रही है यारी तो बहुत डिफिकल्ट था बट जब करते वक्त हो रहा था बहुत ईजी जा रहा था एज ए टोल्ड यू ना कि मैं मुझे बहुत इन्जॉय करता हूँ चीज़ों जे. को मुझे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगा बिलीव में मुझे लगता था कि ओके okay, ठीक है ऐसा ओके okay, ऐसा कर लेते हैं हाँ एक लास्ट जो एक वो शॉट था ना गीता कुरान hmm. वहां पर आने के बाद थोड़ा सा वो जो एक उसका सोच वो सारी चीजें कि एक डबल गेम खेल रहा है इस प्लेइंग डबल yeah. कि कोई बात नहीं आज तो मैं हाँ बोल देता हूँ बाद में देखता हूँ इसको तो वो सारी चीजें एक्सप्रेस करना एंड आई डोंट नो लोगों को समझ में आ गई मैंने तो कर लिया था बट हाउ मच डिड यू एंजॉय योरसेल्फ ऑन स्क्रीन वर यू लाइक क्योंकि हम तो आप देख रहे होंगे इतने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहाँ पर गालिया दी जा रही है आपके कैरेक्टर <laughs> को और एंड आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिल रहा होगा <laughs> like, लाइक लोग दे रहे हैं और आप थैंक यू बोल रहे हैं ऐसा नहीं लगता कि जैसे पुराना वक्त हो <laughs> पुराने दौर में ऐसा होता Absolutely. था आज के दौर में आपको जल्दी जनरली गालियां नहीं पड़ती हैं बिकॉज आप जानते हैं कि ये रोल कर रहा है है ये सिर्फ एक्टर मे आई जस्ट से दैट गदर एक ऐसी फिल्म है

मेरा भी पहला कॉम्प्लीमेंट यही था जो मैंने आपसे बताया ना कि जो ये कॉम्प्लीमेंट सवा आठ बजे पहला शो देखने गई थी और मैंने फ़ोन किया इनको तो ये कहती है एक ये और मेरी बेटी भी हाँ। कि आपके मरने की बड़ी खुशी हुई तो मतलब नो 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 एक्चुअली मूवी जब बननी शुरू हुई थी सनी पाजी को मैं बहुत सालों से फॉलो करती हूँ तो उनका फर्स्ट शेड्यूल पैकअप तब से ही मेरे को था कि गदर टू तो मैंने देखनी ही है और मूवी देखने में सिर्फ सनी पाजी के लिए गई थी

देखा मैं तो सुनी पाजी की इंटरव्यू पे कर रही थी ये जनरल हामिद जैसे एकदम हार्श है यार व्हाट इज दिस तो फिर मजा आया काफी मजा आया और जब इनका फोन आया भाई क्या सीन है मैंने कहा पहले सुनो तुम्हारे मर्जी की बड़ी खुशी हुई <laughs> उसके बाद तो, तो देखो और मैंने कहा सनी पाजी ने चकदे फटते मजा आ गया और मैंने इनफैक्ट सनी पाजी को ये बोला मैंने कहा पाजी मैं सिर्फ आपके लिए गई थी मूवी देखने और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इनको मारा <laughs> <laughs> मनी जी मतलब ये ये बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का कुछ कुन्नस वगैरह नहीं कोई <laughs> है कि घर पे विलन वहां पे विलन आप पिटो सब मेरे दिल की बात पहुंचा <laughs> आपकी भी है। शी और फिल्म की वो अपसेट हो गई थी कि पापा को इतनी मार पड़ रही है. नहीं नहीं हम लोग इनको जब भी uh, स्क्रीन पे देखते हैं हजबेंड वो घर पे हैं. फादर वो घर पे हैं. बट जब ऑन स्क्रीन है तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर निभा रहे हैं अगर उसमें उनको गालियाँ पढ़नी चाहिए तो पढ़नी चाहिए और अगर नहीं पढ़ रही है तो फिर तो फायदा क्या ऐसा हस्बैंड रखने का देयर इज नो रीजन ये हस्बैंड ये हस्बैंड रखा गया है <laughs> फायदा क्या ऐसे हस्बैंड रखने का <laughs> मतलब आप एक हस्बैंड मिला आपको मिल गया शादी टैग लाइक आप किसी से शादी करते हो वो एक्टर है और वो अगर अच्छा एक्टर नहीं है तो फायदा क्या हो घर पे ही प्रेशर इतना हो रहा है तो इनका के इनका कंस भी चल रहा था कभी मैं हंस पड़ती हूं इनको बोलती हूं ये लोग रिकॉर्डेड देख रहे थे इस पे ये देख रहे थे और मैं पीछे से बैठ गई मेरे मुंह से कुछ गालियां भी निकली मैंने कहा सॉरी दिक्कत मैंने कहा ये तो ये ये तो इक मेरी इक मम्मी ने भी कहा था हाँ. कि कितना कमीना है तू नहीं <laughs> <laughs> नहीं वो तो generally नहीं बोला <laughs> नहीं, uh, but जी ये कि आप इतनी ऑनेस्ट रही और ऐसे ही बस प्यार देते रहिए एज एन एक्टर मनीष जी को हस्बैंड को तो देते ही आप थैंक यू सो मच थैंक यू फील <laughs> और ना ये इन्होंने थोड़ा सा बताता हूँ इन्होंने थोड़ा सा वो बताया नहीं जब इन्होंने देखा वो फर्स्ट शेड्यूल ओवर एंड गदर टू हाँ, तो बड़ा तो इन्होंने वो किया अरे वाह क्या बात है गदर वापस बन रही है मुझे देखनी है आ, तारा सिंह सकीना जीते एवरीथिंग एंड अशरफ अली कौन करेगा तो उनके मन में आया कि अरे अमरीत जी तो है नहीं बिकॉज अमरीत जी की भी बहुत बड़ी फैन जी. है ये डी डी जे और ये सब देख तो कैसे होगा वो तो वो तो एक कमाल है वो उन्होंने बोलते मैंने जो मुझे बताया उन्होंने कि हमने मैंने पूरा सोचा कि कौन कर सकता है अभी आगे विलन कौन होगा इस फिल्म में तो मुझे सिर्फ मनीष वाधवा ही दिखे कि वो कर सकते हैं मैंने कहा यू नेवर नो और इसको भी पता नहीं था मुझे कॉल आना शुरू हो गए थे hmm. कुछ दिनों में जब ये हो wow. रहा सीरियसली मतलब यूनिवर्स में डाल दी बीवी की बात हमेशा माननी चाहिए आ, <laughs> uh, ये बताएं मनीष जी सेट्स पर जब टेक के बाद कट होता था तो हाउ वॉज द माहौल क्या चलता रहता था हाउ हाउ क्या प्रैंक्स होते थे कैसे Amazing, बहुत मजेदार हर बार कुछ ना कुछ एक और एक फीलिंग hmm. जो मैंने बताया ना कि वो एग्जाम लिखने की फीलिंग की कर गया यार ये करक जा रहा है बिल्कुल सही नोट मैं अपनी बात बता रहा बाकी जी जी तो ऑफ कोर्स अनिल जी हैं अनिल जी आपको छोड़ेंगे ही नहीं जब तक काम अच्छा नहीं होगा सो एंड ई वॉज वेरी हैप्पी उन्होंने पहले बोल दिया कि भैया मैंने पहले भी uh, इंडस्ट्री में विलन दिया है और इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा काम मैं सर आपका आशीर्वाद है इससे पहले ही पठान आई तो एंड अगेन दैट ऑल्सो वॉजिव मैसिव हिट

एंड अनिल जी का अपना एक स्कूल है सो so, वहाँ पर आ, जिस तरह से शुरू हुआ पहले ही सीन बहुत डिफिकल्ट था जहाँ पर वो आ, बड़ा वाला सीन था जहाँ पर उसको कैंसर है जी. और वो इफ़ यू रिमेम्बर तो वो यहाँ सारे उसको कीमो हो चुका है एंड हाँ. आवाज़ भी उसकी वैसे हो गई है बट उसका जो नेगेटिव अंदाज है वो ख़त्म नहीं हुआ है वो है तो विल नहीं उसको इंडिया को तहस नहस करना है सो so, बड़ा मज़ा आया वो भी सो देयर आर टू फिल्म्स एक शाहरुख खान की फिल्म है और एक सनी देओल की फिल्म है ये बताएं दैट एज एक्टर्स आपके हिसाब से उन दोनों में क्या सिमिलरिटी आपने पाई दोनों बहुत फोकस्ड है दोनों सुपरस्टार्स स्टार्स हैं और उनको पता है कि वो सिर्फ अपना गेम नहीं खेलते हैं hmm. वो पूरी टीम को लेकर चलते हैं कि अगर उनकी पूरी टीम चलती है तो अब चलता है ये बहुत कमाल की बात है hmm. जैसे बोलते हैं ना वो हमारे क्रिकेट मैच में भी बोलते ही हैं कि सिर्फ एक आदमी के सेंचुरी बनाने से या पांच विकेट लेने से आप मैच नहीं जीतते आपको पूरी टीम को खेलना होता है तो आपसे जहाँ गलती होती है जहां आपको लगता है कि ये चीजें और सुधारी जा सकती हैं खुद खुद को लेकर तो वो दोनों में जो मैंने नोट किया है जो मैं सीखा है उनसे मैंने <laughs> कि कैसे आप अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं आपको लगता है कि एक यूनिवर्स बन सकता है जहाँ पर ये दोनों हीरोज आपको फाइट करें एक साथ क्या बात है

कैरेक्टर्स क्या आपको लगता है दैट इज अ पॉसिबिलिटी दैट दैट आफ्टर गदर कुड बी लाइक मोर डू यू थिंक ये होना बड़ा ईजी हो जाता है स्टीरियो नहीं होगा होना आसान होता है आपको लोग वैसे ही देखना शुरू करते हैं फिर वो आपकी काबिलियत है आपके अंदर वो चीज़ों को लेके समझ है ऑफ कोर्स आज डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आगे काम करते हैं हर हर कोई करता है पहले से ही करते हैं अभी भी करते हैं तो मेरी कोशिश हमेशा होती है जैसे आपने खुद कहा पठान और गदर।, गदर दोनों में मैं जनरल हूँ दोनों में पाकिस्तान जनरल हूँ आपको अलग दिखते हैं ये मेरे लिए चैलेंज था बहुत बड़ा तो ये चैलेंज आगे भी रहेगा मेरे साथ कि मैं आगे मुझे जिस तरह से नेगेटिव रोल देंगे। लेकिन मुझे वैसा बिल्कुल वैसा नहीं होना है जैसा मैं कर चुका हूँ हाँ कुछ एक वैसे है लेकिन कुछ एक वैसे बिल्कुल नहीं है कुछ एक बिल्कुल अलग तरह से है तो

उस वक्त के लिए ऐसा था कि कमर्शियल फिल्म आउट एंड आउट कमर्शियल रोमांटिक गाने कमाल के hmm. उसमें आपको एक रियल चीज़ देखने को मिली जो स्टार्ट में होती है कि एक पूरी की पूरी ट्रेन आती है जो कटी हुई है hmm. जो लोग उसमें कटे हुए हैं उनके पूरा हाल है वो देखने के बाद जो दहशत मन में आई थी वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी उस दिन सनी पाजी से भी शेयर किया था पहले ही कि सर वो ले ले हो गई अब सीखनी मुसल मानिए जब वो मांग भरते हैं वो रेलवे ट्रैक पर ऐसी ऐसी चीज़ें वो बिल्कुल भुलाई नहीं जा सकती मैंने नाइन्थ जून को फिर से रिलीज देखा था आप मानेंगे मेरे उस वक्त भी जबकि आपको पता है इस शॉट के बाद ये है फिर ये डायलॉग है फिर यहाँ से ही आएंगे उसके बाद भी आपके गूज बम्स आते हैं रोंगटे खड़े होते हैं तो आपने वो कितना पावर है उस चीज़ को वापस से रिक्रिएट करना तो स्टार्ट में इतना कुछ हो जाता है उसके बाद आप बैठ जाते हो आप हिलते नहीं हो और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे गाने मिलते हैं रोमांस मिलता है एक मस्ती मिलती है कॉमेडी मिलती है और प्लस एक पूरा एंगर और विलन सारी चीज़ें मिलती हैं तो गदर वन तो प्लस आ, उस वक्त मैं जया बच्चन जी के साथ माँ रिटायर होती है कर रहा था ओके और आ, तो दुबई से मैं अपना वो लेकर आया था थ्री चेंजर डेक तो हमारे घर में वो आपको याद होगा शायद जी जी चलता जी। था। तो, तो उसमें तीन डीवीडीज लगती हाँ। तो मेरे बेटे ने मंगवाई थी बस वो पूरा टाइम सिर्फ गदल 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 तो इतनी बार देखी थी वो गदल मुझे नहीं पता था मैं ही उसका हिस्सा हो जाऊंगा मनीषी आज के जमाने में अह जहां हम विलनस को दिखाते हैं तो एक और चीज ऐड हो गई है और बेफिक्र होकर हुई है और वो है फाउल लैंग्वेज व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट क्योंकि एक फिल्म आती है गदर टू जहां पर फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है लेकिन फिर भी विलन को देखकर डर लग रहा है उनके उनका जो थ्रो है जिस अंदाज में वो चिल्ला रहे हैं जैसे आप चिल्लाते हैं व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट यूजिंग ऑफ लैंग्वेज देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आपकी पूरी फैमिली कंफर्टेबल हो जो गदर टू ने प्रूव कर दिया कि कुछ भी नहीं दिखाया सिर्फ गाली छोड़िए बाकी कोई भी सीन इस तरह से नहीं है फिल्म में जो आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख नहीं सकते हैं जहाँ आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अब जब घर पर बैठ कर देखते हैं तब तो आपकी पूरी फैमिली बैठी होती है आप थिएटर में तो अपनी चॉइस से लोगों को ले जाते हैं हो सकता है अपनी फैमिली के साथ भी जाएँ या अपने दोस्तों के साथ भी जाए बट टी जब आप अपने घर पर बैठ देखते हैं फिर वो चाहे टी हो या ओ हो वहाँ आपको विदाउट एनी ऑकवर्ड uh, कंडीशन के टीवी देखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा वो तो है तो मैं एज एन एक्टर यही समझता हूँ हो सकता है कई बार कुछ जगह पर सिचुएशन ऐसी हो कि आपको ज़रूरत पड़े uh, क्योंकि मुझे याद है एक आध नाटक भी था जहाँ मुझे यूज़ करना मुझे डायरेक्टर ने कहा था कि यहाँ यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज उसकी लैंग्वेज वैसी है hmm. तो अब वो ठीक है एक आध बार आपने यूज़ कर लिया लेकिन आप उसको उसी स्टाइल को भी पकड़ कर चलेंगे तो वो ठीक नहीं अगर सोचा नहीं मैंने इस बारे में सच बताऊँ तो uh, क्योंकि अब तक ऐसी कंडीशन नहीं ऐसी सिचुएशन आई नहीं है hmm. जबकि मुझे लोगों ने पूछा था कि यार चाणक्य करने का खंड भारत की बात कर रहे हो तुम पाकिस्तानी वो कर रहे हो <laughs> <laughs> ये भी पूछा तो गाली तो बहुत दूर की बात है तो ऐसा नहीं है यू नेवर नो कौन सी कंडीशन कैसे बन जाएगी <laughs> वैसे आई हैव टू दैट मनीष जी ने अपने अमेजिंग करियर स्पैन में बहुत काम किया है टेलीविजन <laughs> में फिल्मों में वी एव सीन हिम इन मनी करने का पदमावत सो मेनी सो मेनी अदर फिल्म्स लेकिन इसी के साथ साथ वॉइस ओवर के बहुत काम आपको मिले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं एंड सम ऑफ द फाइनेस्ट इंग्लिश मूवीज चाहे वो एवेंजर्स हो ब्लैक पैंथर हो वॉट एल्स एम आई मिसिंग सो मेनी सो मेनी सो मैनी तो ये बताएं दैट हाउ हज लाइफ नाउ चेंज आफ्टर गदर टू बिकॉज विद अ स्पैन ऑफ कितने साल आप रहे हैं इन हिंदी इंडस्ट्री सर हो गए होंगे काफी साल हो गए मुझे लगता है कि वही जो मैंने बताया प्ले 2001 में 2019 में मैंने जयवीर जी के साथ कमर्शियली उस तरह से शुरू किया था तो काफी साल हो गए 22 23 साल तो हो ही गए वाओ अब कैसा लग रहा है हाउ हैज लाइफ चेंज आफ्टर 10 अगस्त 10 अगस्त से पहले डेफिनेटली लोग उसके लिए जानते थे बट तो 11 अगस्त के बाद तो <laughs> गॉड इसका काइंड मैं बस सिर्फ आशीर्वाद ही लेता हूँ भगवान का हमेशा कि ये जो हो रहा है उन्हें कृपा है उसी से हो रहा है हाय दिस इज मनीष वाधवा एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा जय हो